अभी घोड़ा बना रहा हूँ, अभी पन्ने के बाद एक पलटा हल्का लगाऊंगा, उसके बाद घोड़ा चलेगा। एक पलटा हल्के दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं राइडर जाने वाले जिन्हें चेतक फेस्टिवल में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा, ये उस्ताद मोजू भैया। ये नाम के नहीं, ये काम के उस्ताद है। और आपने जिस तरह से चेतक फेस्टिवल के जो भी रेसेस देखी होगी तो उनके अंदर स्पीकर और माइक के अंदर जो एक ही नाम सबको सुनाई देता था वो है उस्ताद मोजू भैया, जो अभी स्क्रीन पर आपके सामने। तो मोजू भैया, आपको राइडिंग का कितने साल का अनुभव है? भाई अपने को 30 साल हो गए इस लाइन में। 30 साल हो गए अपना, वो अभी 40 साल है अपना। 10 साल से मैं घोड़े पाल रहा हूँ। तो आप खुद भी कुछ घोड़े रखते हैं? 2 घोड़े हैं अपने पास में। कौन से नस्ल के मोजू भैया? एक मारवाड़ी एक काठियावाड़ी भाई। तो मोजू भैया आपको ज्यादा करके राइडिंग का ही शौक है? मतलब ज्यादा अपने को राइडिंग में मजा आता है भाई। जैसा रवाल चाल होगा, ग्याला प्रेस होगा, इसमें मजा आता है अपने को। तो मोजू भैया आपने अपनी लाइफ में कितने रेसेस जीते घोड़ों के? भाई अभी तक के अपना सारंगखेड़ा हो गया, सिंगापुर हो गया, अकलूज हो गया, तुम्हारे को बोलता हूँ हमारा नासिक में संगमनेर पड़ता है, वहाँ पे रेस मारी हमने। फिर तुम्हें बताओ, एक सिन्नर होता है गांव में रेस, सिन्नर में भी रेस लगाई थी हमने। सिन्नर में भी अपना 2 नंबर प्राइज मारा था। ठीक है, बस बेटा खड़े रहो, बस बेटा खड़े रहो, बस गुड बाय। तो आपने देखा जी, मतलब इतने सारे रेसे जो है मोजू भैया ने जीते। तो मोजू भैया आपका क्या मानना है कि जो चाल के अंदर सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है घोड़ों की? सिंधी नस्ल होती है भाई, जो कहते हम सिंधी घोड़ा चाल के रेस के बारे में सिंधी घोड़ा यूज करते हैं। अगर अपने को कंपटीशन अगर करना है तो मारवाड़ी हॉर्स के थ्रू अपना ब्लड लाइन वाला घोड़ा लाते, रिंग में अपना काम चलाते हैं, तो मारवाड़ी घोड़ा होता है रिंग के काबिल। तो मोजू भैया, हाँ भैया, जो हम चाल के लिए घोड़ा सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? घोड़ा जो है सिंधी घोड़ा जो मायने रखता है चाल की। ठीक ठीक, चाल की जी। जो सिंधी घोड़ा मायने रखता है वो कोई घोड़ा नहीं रखता है। क्या खासियत होनी चाहिए सिंधी घोड़ा? जो अदाकारी से बन के, ढंग से बन के चलता है, कोई घोड़ा नहीं चलता उसके मुकाबले। ठीक है, तो मोजू भैया अभी आप जिस घोड़े के ऊपर बैठे हो इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र है करीबन 8 साल। और इसका कुछ नाम भी है? इसका नाम है बादल। बादल बादल, लेकिन चलने में अभी तूफान में सारंगखेड़ा के आप बेस्ट है घोड़ा है। तो आप देख सकते बेस्ट घोड़ा है, सबसे चलने वाला, सबसे वफादार घोड़ा, स्पीड सबसे ज्यादा इसमें। अभी के जो सारंगखेड़ा मेला 2022 मेला में इस घोड़े का आप नाम काढ़ो, लक्का वकीला सेठ, छोटे वकीला सेठ। हाँ, छोटे वकीला सेठ का ये घोड़े का कलर है लाल चीना। ठीक, इसको बोला जाता है चंपा। चंपा वकीला सेठ को अगर आप किसी को भी बोलेंगे वकीला सेठ का चंपा घोड़ा के जैसा घोड़ा पूरे मंडी में नहीं है चाल में। जो भी है इसके साथ रेस खेलो, व्यापारी घोड़े वाले सब डरते इसको। तो मोजू भैया इस बार भी आप रेस के अंदर कोई घोड़ा उतारने वाले? यही घोड़ा उतारने वाला है, यानी बादल के ऊपर आप इस बार राइड करोगे? इतना राइड करने वाले हैं रेस के दिन चाल वाले। तो रेस की डेट आपको मालूम है मोजू भैया? अभी तक तय नहीं हुई रेस, रेस की डेट तय नहीं हुई, तय होगी जब उस दिन हम इसके ऊपर सवारी करने वाले। तो मोजू भैया आप जैसे इतने अच्छे वेल नोन राइडर है, तो अभी आपका कोई ऐसा जो संदेश है जो आप नए राइडर्स को देना चाहते हो? अभी जो है हमारे जो बनने वाले सागर, उनको तो हम बनाते हैं। ठीक ठीक, उनको तो हम बना देते हैं और बन के रेडी है, वो चल रहे यहाँ पे चल रहे। हमारा एक चेला यहाँ पे जिनका नाम है सिंगया, सिंगया
सिंह है, वो भी हमारी स्टाइल मारता है, दो पे खड़े हो जाता है घोड़े के ऊपर चलते हुए। और दोस्तों अगर आपने पिछले जो चेतक फेस्टिवल जो कि 2-3 साल पहले की अगर वीडियो देखी होगी तो मोजू भैया के शायद ही कोई होगा जिन्होंने स्टंट नहीं देखे होंगे। मोजू भैया राइडर के साथ साथ एक स्टंट मैन के नाम पे भी बहुत फेमस है। ये जैसे हाथ छोड़कर घोड़े को चलाना और घोड़े पे खड़े होकर चलाना, ये मोजू भैया के बाएं हाथ का खेल है। तो मोजू भैया हाँ तो इस ये जो आप स्टंट करते हो इसके अंदर आपको डर नहीं लगता? डर के आगे तो जीत होती है। जी जी बिल्कुल, डर के आगे जीत होती है मोजू भैया। और अगर आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे आने वाले लोगों को कि उन्होंने क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसके अंदर? बस बेटा खड़े रहो, गुड बाय। हाँ जी, मतलब अभी नए लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नए लोग जो है वो देखने वाले जब देखते हैं आपका यूट्यूब पे जो अभी वीडियो अपलोड होने वाला है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको खुद कमेंट आ जाएंगे कि मुझे भाई क्या आदमी है, क्या कमेंट आती है, सही आती है गलत आती है, तो हमको कमेंट पढ़ने पे पता चल जाता है। चलिए दोस्तों अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपने मुझू भैया का अगर टैलेंट देखा है तो आप कहाँ देखा है वो भी हमें कमेंट्स के अंदर बताइए। थैंक यू मुझू भैया जो आपने हमें इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मुझू भैया।